हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्लॉसम कोचर अरोमा मैजिक विटामिन सी स्किन लाइटनिंग जेल सॉफ्टन एंड प्रोटेक्ट SPF 30 जेल का रिव्यू, जो कि मैंने पर्पल की वेबसाइट से ख़रीदा था। नहीं, ये मैंने नायका की वेबसाइट से ख़रीदा था, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पर्पल की वेबसाइट से ख़रीदें, क्योंकि पर्पल पे इस पर काफ़ी अच्छे ऑफर्स चलते रहते हैं। नायका पे इस पर मुझे शायद 10% ही ऑफ मिला था जब मैंने इसे परचेज़ किया था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे पर्पल से बाय करें या नायका से, जिस पे भी अच्छे ऑफर्स हों आप उस पर जाके बाय कर सकते हैं। कि इस तरीके की कुछ कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, आप देख सकते हैं कार्डबोर्ड पैकेजिंग पे जो ये फ्रूट्स वगैरह, ये चेरी, एप्पल, कीवी, रेसबेरी और ऑरेंज का जो प्रिंट दिया गया है, ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है, फ्रूटी फ्रूटी फ्लेवर आता है। वैसे ब्लॉसम कोचर ऐसा क्लेम करता है कि इसमें कोई भी मतलब कोई भी केमिकल्स या ये हार्मफुल चीज़ें नहीं हैं, ये प्योर फ्रूट से बनाया गया है और काफ़ी हद तक ऐसा है भी, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस नहीं है, नॉर्मल फ्रेग्रेंस आती है इसमें। मैं आपको दिखा देती हूँ उसकी ट्यूब पैकेजिंग, और ये ट्यूब पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है इसकी, और ये रेड कलर का वाइट कलर का कैप है, कुछ सिमिलर टू लैक्मी के फेस वॉश की तरह लगती है मुझे ये। और इसका प्राइस जो है वो है 350, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 80, मतलब 3 ईयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है, जो कि काफ़ी अच्छी शेल्फ लाइफ है इसकी। और पैकेजिंग की प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो 100 ग्राम है, और काफ़ी अच्छा मुझे ये लगा है जेल, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर भी करूं कि मुझे ये कैसा लगा। इसमें पीछे मेंशन किया गया है कि ये स्किन को लाइटन करता है, यूवी रेज से जो डैमेज हो जाती है स्किन उससे प्रोटेक्ट करता है। इसमें लेमन है, नेरोली ऑयल है, शिंशल ऑयल्स हैं, और ये सेफ्रॉन इन्फ्यूज वाटर है, और आपको लाइटन स्किन देता है। इसको यूज़ कैसे करना है, आपको अपने फेस को क्लीन करना है, उसके बाद टोनर लगाने के बाद इसको आपने अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। इसमें SPF 30 है, तो आपको यूवी रेज और सन प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दो चीज़ें, विटामिन सी वैसे भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बोलते हैं स्किन लाइटनिंग के लिए, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ विटामिन सी की होती हैं, जो कि इसमें काफ़ी क्वान्टिटी में विटामिन सी है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक और फ्रूट से बना हुआ है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके, और ट्रैवल फ्रेंडली है, कोई भी लीकेज प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप कैसे भी इसको रख सकते हैं। और पैकेट भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी टाइम तक यूज़ आ जाएगा इसका। अब मैं आपको इसका प्रोडक्ट दिखा देती हूँ कि कैसा है इसका प्रोडक्ट। ये इस तरीके से ट्यूब फॉर्म में ही है, कोई इसमें वैसे नहीं है, तो मैं आपको इसको दिखा देती हूँ ओपन करके। इस ये वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट जेल टाइप का है, और काफ़ी स्मूथ सी फिनिश है इसकी, और जेल लाइक कंसिस्टेंसी है इसकी, जो कि काफ़ी अच्छी है, पूरी स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। ऑयली स्किन वाले भी आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली ही है, फिर भी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। इसका इफ़ेक्ट्स मुझे इसे 1 मंथ हो गया अराउंड, मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस। मैं कोई गोरी स्किन की नहीं हूँ, मेरी मीडियम स्किन है, स्किन टोन है। तो आप कोई भी अगर क्रीम खरीदते हैं तो पहले आप ये सोच लीजिए कि कोई भी क्रीम आपको गोरा नहीं कर सकती, आपकी स्किन को 2 से 3 शेड लाइटन कर सकती है, ब्राइटन कर सकती है, आपकी स्किन फ्लॉलेस लगेगी, ग्लोइंग लगेगी, हेल्दी लगेगी, बट कोई भी स्किन आप कोई भी क्रीम आपको गोरा नहीं करेगी। ये अगर आप गोरा होना चाहते हैं तो फिर आप मुझे नहीं पता, ये जो बोटॉक्स क्या नाम है, जो ग्लूटाथोन वगैरह ये चला है, आप इसके साथ जा सकते हैं। वैसे इस स्किन इस जेल को मैं सिर्फ इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ, ये स्किन को ब्राइटन एंड लाइटन करता है, 2-3 शेड आपकी स्किन लाइटन हो जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी लगेगी आपकी, और एक फेस पे जो ग्लो आएगा वो शाइनी इफेक्ट रहता है फेस पे इसको यूज़ करने से। ऐसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और अरोमा कोचर का मेरे पास फेस वॉश भी है और डे क्रीम भी है। मैं डे क्रीम जल्दी आपको रिकमेंड वीडियो में अपलोड करूँगी, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आई है, तो मैं उसको आपको रिकमेंड ज़रूर करना चाहूँगी, तो मैं जल्दी आपको वो भी दिखाऊंगी। अरोमा कोचर काफ़ी अच्छा ब्रांड है, और आप इसके साथ जा सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप कोई भी मतलब केवल डे क्रीम लगाने से ही स्किन अच्छी नहीं रहती, तो आप एक बार इस जेल को ट्राई करिएगा, मेरे अकॉर्डिंग रिकमेंड कर रही हूँ मैं आपको। वैसे आपको जो शूट करे, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज़।